गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उग्रवादी राष्ट्रवाद। उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के जो प्रमुख कारण हैं, उसमें प्रमुख है कि जो पुरानी उदारवादी राष्ट्रवाद था, वह अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, और जिसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय राष्ट्रवाद था, भारतीय आंदोलन था, भारतीय जनता थी, उसके मन में कहीं निराशा की भावना बढ़ती ही चली जा रही थी। परिणाम स्वरूप एक नए युग का, एक नई शैली का, एक नए चिंतन का, एक नई विचारधारा का उदय हुआ, जिसे हम उग्रवादी राष्ट्रवाद कहते हैं। और यह जो उग्रवादी राष्ट्रवाद है, यह उदारवादी राष्ट्रवाद की सहयोग, न्यायप्रियता और परोपकार में विश्वास नहीं करता था। इसका मत था कि यह जो दयालुता का दृष्टिकोण था, उसके कारण ही भारतीयों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। फलतः इस नई विचारधारा के का जो जन्म हुआ, वह एक नई शैली से कार्य करने में विश्वास रखता था। तो वे जो प्रमुख कारण है उदारवादी राष्ट्रवाद की विफलता के साथ ही साथ में कुछ अन्य भी नए कारण हैं, जिसके कारण कि इस उग्रवादी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे वे कौन से कारण हैं जिसके कारण कि उग्रवादी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। उसमें पहला कारण है कि कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी शासन का रवैया। प्रारंभ में उदारवादी आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण अत्यधिक उदार था। वह लगभग सहयोग की सी नीति अपना रही थी, लेकिन जैसे जैसे इस आंदोलन का लक्ष्य भारतीय हितों की रक्षा करना होने लगा, ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का सहयोग करना तो दूर, बल्कि इसकी आलोचना और भर्त्सना करनी प्रारंभ कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई शैली का उदय हुआ, जिसे हम उग्रवादी आंदोलन या उग्रवादी राष्ट्रवाद कहते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1892 का जो अधिनियम था, जिससे कि उदारवादियों को भी बहुत अधिक आशा थी, और भारतीय जनता इस अधिनियम को बहुत ही आशा की निगाहों से देख रही थी, लेकिन इस अधिनियम का परिणाम कुछ भी नहीं निकला। इसमें भारतीय हितों की पूर्ति या भारतीय आशाओं को पूरा करने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया, यहाँ तक कि उदारवादी भी इस 1892 के अधिनियम से अत्यधिक हताश थे। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण कि उग्रवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ या उदारवादियों से लोगों का विश्वास समाप्त होने लगा। जापान ने रूस पर विजय प्राप्त की, और इसके साथ ही साथ एबिसिनिया ने टर्की पर, अर्थात जो यूरोपीय अजेय की जो विचारधारा थी, या वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और एशिया के लोगों में भी एक नया आत्मविश्वास, स्वाभिमान जागृत हुआ। उन्होंने भी जो आत्मगौरव की भावना उत्पन्न हुई, उसके कारण उन्होंने यूरोपीय साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद को समाप्त करना प्रारंभ किया, जिसका प्रभाव हम भारत पर भी स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारतीय जनता के मन में भी अब भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म के प्रति विश्वास जागृत होने लगा था। पहले के समान हम प्राचीन या पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति से, धर्म से प्रभावित होने के बजाय अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की श्रेष्ठता को समझने लगे थे। विवेकानंद जी का जो शिकागो सम्मेलन में जो भाषण था, उसने भी भारतीय धर्म की श्रेष्ठता को, और बाल गंगाधर तिलक का भारत भारतीयों के लिए है, ऐसे नारों ने भारतीय जनता में एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न किया था, और परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में उग्रवादी राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारतीय साहित्य में भी जो राष्ट्रवाद की भावना निरंतर विकसित होती चली जा रही थी, उसके कारण भी उग्रवादी राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो साहित्य था, शरद चंद्र का जो साहित्य था, और उनकी जो देशभक्ति से भरी हुई भावनाएं थी, वंदे मातरम जैसे गीत थे, उन सब ने भारतीय जनता में एक नई उत्साह को उत्पन्न किया, और
स्वतंत्रता के प्रति आकर्षण को उत्पन्न किया, स्वतंत्रता के जुनून को उत्पन्न किया, जिसके कारण कि उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। बंकिम चंद चतुर्वेदी का आनंद मठ ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान किया। और इन सब के साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक विपदाएं भारत में आई, 1896 और 97 का जो भीषण अकाल था, और उस भीषण अकाल को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई सहयोगपूर्ण नीतियां नहीं अपनाई गई थी। और इस अकाल की विभीषिका से जैसे तैसे अभी हम उबर भी नहीं पाए थे कि 1897-98 में पूना में प्लेग फैला, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्लेग का समाधान करने के लिए जिन अमानवीय साधनों का प्रयोग किया, उसके कारण भारतीय जनता में और भारतीय चिंतन में, भारतीय राष्ट्रवाद में आक्रोश उत्पन्न हुआ। इन सब के साथ ही साथ हम देखते हैं कि आर्थिक असंतोष भी प्रमुख कारण था पुराने विचारधारा के प्रति असंतोष लाने का। युवा शिक्षित या अशिक्षित दोनों में ही भयंकर बेरोजगारी फैल रही थी, और यह बेरोजगारी अंततः उनमें असंतोष ला रही थी, आक्रोश ला रही थी। उसने भी भारतीय राजनीति में उग्रवादी आंदोलन को विकसित किया। अंग्रेजों के की जो जातीय श्रेष्ठता की भावना थी, और भारतीयों के साथ जो वे पशुवत व्यवहार करते थे, भारतीयों को जो हीन और तुच्छ समझते थे, उसने भी भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रति और अधिक आक्रोश को उत्पन्न किया। और इन सब के साथ ही साथ हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन की जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी, लॉर्ड कर्जन का जो क्रूर शासन था, उस क्रूर शासन ने भी पुरानी आस्था, सहयोग या विश्वास की भावना को धीरे धीरे समाप्त किया। जिनमें एक प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1909 भी था, और इस अधिनियम के तहत सीनेट की सदस्य संख्या कम कर दी गई, और उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम कर दिया गया, जो आक्रोश का एक कारण बना। इसके साथ ही साथ सरकारी जो गोपी विषय अधिनियम था, उसने भी भारतीय जन आक्रोश को अधिक और अधिक बढ़ाया। पहले केवल सेना या सुरक्षा संबंधी सूचना के लिए ही जो दंड दिया जाता था, अब वह सामान्य सी सूचनाओं के लिए भी दंड दिया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार की या अंग्रेजी सरकार की जो साम्राज्यवादी नीति थी, जिसके द्वारा वह सीमा प्रांत में निरंतर अपना विस्तार कर रही थी, चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत और बर्मा के लिए भारतीय सेनाओं का जो प्रयोग या दुरुपयोग किया जा रहा था, उसके कारण भी भारतीय सेना और भारतीय जनता में आक्रोश निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा था। इसके साथ ही साथ न केवल बंगाल का विभाजन किया गया, और भारत हिंदू मुस्लिम फूट डालने के लिए प्रशासनिक कुशलता के नाम पर जो भारत में असहयोगपूर्ण नीतियों का प्रयोग किया जा रहा था, उसके कारण भी उग्रवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ, क्योंकि बंगाल विभाजन ने ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास को लगभग समाप्त कर दिया बंगाली लोगों में, और उसके साथ ही साथ संपूर्ण भारत में इस विभाजन के प्रति आक्रोश था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लॉर्ड रिपन की ये जो नीतियाँ थी, उसने भी ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश को बहुत अधिक विकसित किया, और इस बढ़े हुए आक्रोश ने पुरानी सहयोगपूर्ण नीतियों को समाप्त कर एक नई विचारधारा, नई शैली को उत्पन्न किया। और यह शैली हमें कांग्रेस के नेतृत्व दृष्टिकोण के परिवर्तन के रूप में दिखाई देती है। तिलक, बाल, पाल और लाल का जो सहयोग था, उनका जो नेतृत्व था, उनकी जो कार्यशैली थी, उसके कारण भी उग्रवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, और उस कांग्रेस के विभाजन ने पुरानी कार्यशैली को पर प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाया, बल्कि एक नई शैली को जन्म दिया। तो ये हमने देखे थे भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारण। अब हम देखेंगे कि उग्रवादी राष्ट्रवाद जो था, उसने किन नीतियों का प्रयोग किया था या किन साधनों का प्रयोग किया था।
उनकी विचारधारा और पद्धति क्या थी। उदारवादी आंदोलन की तुलना में उन्होंने किन नए कार्यक्रमों का प्रयोग किया था। पहला है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषता। उदारवादी आंदोलन से भिन्न यह आंदोलन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास करता था और इसलिए इसने अपनी कार्यशैली को ही नए तरीके से विकसित किया। मध्यम वर्ग का जो नेतृत्व प्रारंभ हुआ था उसने भी उग्रवादी आंदोलन को जन्म दिया। उदारवादी आंदोलन केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित था। ब्रिटिश शासन से जो विरोध और असहयोग निरंतर रूप से प्राप्त हो रहा था, उस ब्रिटिश शासन के विरोध और असहयोग ने भी उग्रवादी आंदोलन को जन्म दिया था। और इसकी कार्यशैली में भी हम देखते हैं कि इसकी कार्यशैली भी ब्रिटिश शासन का विरोध और असहयोग पर आधारित थी। यह भिक्षावृत्ति के स्थान पर छीन कर स्वतंत्रता लेने में विश्वास करता था। ब्रिटिश न्याय व जो चारित्रिक उच्चता में उदारवादियों का विश्वास था उससे पूर्ण रूप से भिन्न ये ब्रिटिश न्याय और चारित्रिक उच्चता में विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर केवल खुद के संकीर्ण हितों की पूर्ति कर रही है, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी हितों की पूर्ति कर रही है। और इसके साथ ही साथ इन लोगों की कार्यशैली में स्वाभिमान तथा अधिकार के महत्व को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इनमें एक जज्बा था, अपने देश के लिए प्रेम था, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान था और वह भी हमें स्पष्ट रूप से इनकी कार्यशैली में दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ जहां उदारवादी केवल संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते थे, इन्होंने उग्र पद्धति का प्रयोग करना प्रारंभ किया जिसमें असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग संभव था। इनका जो कार्यक्रम था वह प्रमुख रूप से बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर आधारित था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण को, मोह को और स्वदेशी उद्योगों को विकसित किया। विदेशी वस्तुओं की गोली जलाई गई, उनका पूर्ण बहिष्कार किया गया और इसके साथ ही साथ विदेशी अध्ययन पद्धति, विदेशी चिकित्सा पद्धति का भी बहिष्कार किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा को पुनः गौरवान्वित किया गया था। तो ये थे उग्रवादी विचारधारा और तथा उनकी कार्य की पद्धतियाँ। अब हम देखेंगे कि उग्रवादी जो आंदोलन था उसका मूल्यांकन, अर्थात उसमें क्या अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी। इसके तमाम योगदान के पश्चात भी हम देखते हैं कि इसमें कुछ कमियाँ भी थी या यह कुछ कारणों से आलोचना का शिकार भी हुआ, जिसमें पहला है प्रतिक्रियावादी। इस आंदोलन पर पहला आरोप यह लगाया जाता है कि ये प्रतिक्रियावादी था, ये धर्म पर आधारित था। इसने शिवाजी महोत्सव या बंगाल में दुर्गा महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को प्रारंभ किया और जो धर्म पर आधारित थे। इसके साथ ही साथ उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम एकता पर आघात लगा। हिंदू मुस्लिम एकता अब संदेह के घेरे में आ गई, मुस्लिम तटस्थ से होने लगे और जो इस आंदोलन की एक आलोचना का प्रमुख कारण बना। परंतु सबके बावजूद हम देखते हैं कि उग्रवादी आंदोलन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान था, मील का पत्थर था। यही वह आंदोलन था जिसने अभी इस आंदोलन को अभिजात वर्ग से जन जन तक पहुंचाया था, अर्थात अब आंदोलन लगभग सामान्य जनता तक पहुंच चुका था। और इसके साथ ही इन्होंने तीन महत्वपूर्ण शस्त्रों को जन्म दिया था, जो थे बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। इन तीनों साधनों का प्रयोग कर हम देश की लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर सकते थे। और इसके साथ ही साथ यह हमारे देश को, हमारी विचार, हमारे आंदोलन को, हमारी जनता को एक सार्थक दिशा निर्देश देने में सफल रहा था। तो ये जो उग्रवादी आंदोलन है इसका जो योगदान है वह उसी के परिणाम स्वरूप हम भारत को आज़ाद देख सकते हैं या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उग्रवादी आंदोलन एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में हमें हमेशा ध्यान रहेगा। धन्यवाद।